हेलो जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। ये वीडियो आज का ताज़ा खबर लेटेस्ट यानी आज शनिवार है तो आज के पेपर में भी छपा है। और दूसरी बात, और कल आपको पता है शुक्रवार के दिन जो शिक्षा दिवस मनाया जा रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट थे, शिक्षा मंत्री साहब थे, सभी थे, विजय चौधरी जी थे। उस कार्यक्रम में शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। नीतीश जी के माध्यम से हम बोल रहे हैं, या लॉलीपॉप है या सही है, और आने वाले भावी शिक्षकों के लिए भी गुड न्यूज़ है। आप ऊपर में ही देख सकते हैं कुछ पेपर कटिंग है। आप अच्छे से पढ़ाने पर तनख्वाह बढ़ेगी वरना बर्खास्त होंगे। ये जो पहले से ऑलरेडी शिक्षक है उनके लिए ये घोषणा है पेपर के माध्यम से और अपने मुखार बिंदु से नीतीश जी के मुँह से। दूसरा, और इसमें कि ये भी कहा गया है कि बाहर होंगे नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले का बढ़ेगा पैसा, सीएम ऐसे कहा है। और साथ में एक चीज़ और सीएम ने कहा है, मुख्यमंत्री माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, देखिए, अफसरों को साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि आप बहाली जल्द से जल्द कीजिए। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। खाली पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द, मेरा थोड़ा गर्दन में दर्द है तो मैनेज कीजिएगा। खाली पदों पे शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द करें, अच्छे पढ़ाने वाले का वेतन बढ़ाएं, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश जी ने साफ शब्दों में और सटीक जवाब दिया है। किनको, अफसरों को, कि आप बहाली जल्द कीजिए। यानी किसकी बहाली, वही सातवां चरण शिक्षक बहाली की बात की जा रही है। और मैंने नियमावली पर भी वीडियो डाला है, चूँकि वो भी तैयार है, ऐसा आज के पेपर में भी दिया गया। और ये भी न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है साथ में शिक्षक बहाली के लिए। मैं तमाम अभ्यर्थी से बोलूँगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से, आप समस्त लोग जो बहाली चाहते हैं, बहाली के पक्ष में हैं, वो प्लीज़ आप आइए। आज मैं खुद आने वाला था शनिवार, लेकिन नहीं आ पाया मैं। हो सकता हूँ 17 को, मैं फिर से बता दूँ, 17 को ब्रह्म भोज है, उसमें पूरे 300 जिला से आएंगे तो उसी दिन हम आएंगे। चूँकि मैनेज इधर नहीं हो पाता है, विद्यालय से नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं दिया गया, चूँकि और भी टीचर नहीं थे हमारे विद्यालय में, इसीलिए नहीं भी। खैर, तो बहाली बहुत जल्द करने का आदेश दिया है तो ये गुड न्यूज़ है। और जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है उनके लिए भी, कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन दुख तब होता है, हम भी शिक्षक ऐसा है नहीं, जब वेतन नहीं मिलता है। नीतीश जी, 2 महीना 3 महीना का वेतन मिलता नहीं है, 3 महीना बाद मिलता है, आप यहाँ वेतन बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत खुशी है। पहले वेतन तो दे दें, ऐसा लॉलीपॉप मत दीजिए, ठीक है, जो ऑलरेडी शिक्षक है। दूसरा न्यूज, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना बैग के सुरक्षित शनिवार होगा। यानी प्रत्येक महीने के, यानी अंतिम माह के लास्ट सप्ताह के शनिवार को अब जो प्राथमिक के बच्चे, यानी 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी स्कूल के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, अब वो बिना बैग लेके, यानी बैग लेके नहीं, खाली हाथ जाएंगे स्कूल। लेकिन लास्ट महीने, प्रत्येक महीने के लास्ट जो शनिवार होता है, लास्ट सप्ताह का लास्ट शनिवार, उसमें बिना बैग का जाना है। क्यों, जिससे उस स्कूल तो जाना है लेकिन उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और बच्चे अभिभावक का मीटिंग किया जाएगा, कुछ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाएगा, जिसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज के माध्यम से। अब हमेशा बच्चा बैग लेके जाएगा तो वो तो बोर हो जाता है। हम लोग के समय में तो बैग लेके जाओ, बोगिया लेके जाओ, पढ़ने के लिए बहुत सारी बैठने का व्यवस्था नहीं था। लेकिन चलिए, आपके बच्चे के लिए भाग्यशाली है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जैसे घोषणा की है। ऐसा इसलिए भी किया गया कि इन दिनों, यानी अब जो होगा, जो शनिवार को जो बच्चे बिना बैग के कुछ लेके नहीं जाना है, ऐसे ही जाना है। क्यों, ऐसा इसीलिए किया, इस दिन बच्चों में छुपी कला, संगीत और खेल आदि प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। चूँकि उस दिन खेल का कार्यक्रम कराया जाएगा या प्रतियोगिता कराया जाएगा, जिससे बच्चा पढ़ना भी नहीं पड़ा और अपनी अपनी क्षमता को वहाँ दिखा सकेगा, अपनी टैलेंट को वहाँ दिखा पाएगा। ये तो बहुत बढ़िया पहल है नीतीश जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी। और यह हर माह, यानी प्रत्येक महीना के चौथे शनिवार को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी। शनिवार को, यही शनिवार को, जिसमें बैग नहीं ले जाना है, शनिवार को नाट्यकला, संगीत, नृत्य यानी नाचना गाना, निर्माणकर्ता, पेंटिंग, खेल सहित 12 थीम पर बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जो अपनी टैलेंट है वो दिखाएंगे। तो यही आज का न्यूज़ था, बहुत बढ़िया हमें न्यूज़ लगा। और जो आप कहते हैं कि कुछ अभ्यर्थी सर ये क्या न्यूज़ है, तो आप भी शिक्षक बनने वाले हैं तो इस न्यूज़ से अवगत होइए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। और ये आज का गुड न्यूज़ है,
सातवें चयन वालों के लिए, जो बच्चा स्कूल जाते हैं उनके लिए भी, और जो पहले से पढ़ा गए उनके वेतन के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए वीडियो में बने रहिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।